देखिए आगे आप देखिए फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो पहले हम आपको बता देते हैं इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला, देखिए पावर वाला x टू द पावर n रहेगा और dx रहेगा तो ये क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 पावर में एक जोड़ेंगे डिवाइड बाई टोटल प्लस c, c जोड़ना पड़ता है क्योंकि इंटीग्रेशन में हम बता चुके हैं कि c हमको जोड़ना पड़ता है, इंटीग्रेशन में c जोड़ना पड़ता है। दूसरा देखिए दूसरा फॉर्मूला हम बताते हैं हमारा क्या होता है डिफरेंशिएशन में, डी साइन एक्स बाई डी एक्स ये होता है ना, तो इसका क्या होता है डी साइन एक्स बाई डी एक्स का ये कॉस एक्स होता है, ये कॉस एक्स होता है मतलब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए ये इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन बता रहे हैं तो हम कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे इस कॉस का, देखिए डी साइन एक्स बाई डी एक्स ये है इसका साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जब कॉस का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, देखिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किए तो ये आया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आना चाहिए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। अब प्लस सी जोड़ देते हैं, ये हमारा नियम होता है ये कौन इसमें, देखिए उसके बाद डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, देखिए तो ये होता है हमारा माइनस साइन एक्स होता है, देखिए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखिए ये माइनस साइन यहां पर छोड़ दीजिए, यहां पर सिर्फ साइन लिखती है, माइनस साइन का प्लस कॉस इंटीग्रेशन होगा, माइनस साइन का प्लस कॉस और प्लस साइन का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये हो गया ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया, देखिए ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ये एस मत समझिएगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह है ठीक है। अब देखिए साइन कॉस टेन, टेन का डिफरेंशिएशन, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन का डिफरेंशिएशन डी टेन एक्स बाई डी एक्स ये होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, ये सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी टेन एक्स बाई डी एक्स ये सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो हमारा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए ये जो रिजल्ट है इसका सॉरी डी टेन एक्स बाई डी एक्स इसका इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, देखिए तो हम क्या करेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स, टेन एक्स प्लस सी, देखिए ये लिख दिए, देखिए इसके बाद आगे हम बताते हैं आपको डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन होता है, देखिए ये ध्यान रखने की बात है, देखिए उसके बाद अगला फॉर्मूला हम बताते हैं, देखिए बता रहे हैं आपको, देखिए डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स, इसका कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये होता है, देखिए कॉसेक का डिफरेंशिएशन हमारा होता है डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए डी कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, देखिए यहां पर माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आता है तो देखिए कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉसेक कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स जब निकालेंगे तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला कॉसेक एक्स प्लस सी लिख देंगे, ये बात समझ में आया आपको, देखिए ये बात समझ में आई, देखिए कॉस का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स ये हो जाता है। उसके बाद देखिए सेक एक्स, सेक का फॉर्मूला, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स, तो ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, देखिए इसका फॉर्मूला समझिए, ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या होगा, देखिए ये क्या होगा, तो यहां पर जब डिफरेंशिएशन करेंगे सेक एक्स इंटू
tan x dx, तो ये हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा sec x प्लस c, ठीक है, c अपने से जोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए, देखिए d d cot x by dx, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन होता है। अब देखिए इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, देखिए माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स करेंगे ना तो ये प्लस कॉट एक्स देगा, तो इसीलिए प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स करेंगे तो ये माइनस कॉट एक्स देगा प्लस सी। देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यहां पर हम प्लस दे रहे हैं कॉट एक्स दे रहे हैं तो ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, यहां पर बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन हम फिर करेंगे तो वो चीज वापस आएगा लेकिन माइनस आ रहा है, तो ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों, देखिए देखिए इसलिए क्योंकि देखिए यहां पर डी कॉट, बढ़िया समझिए, यहां पर देखिए माइनस अगर हम कोसेक स्क्वायर एक्स करेंगे ना एक्स डी एक्स तो ये हमारा प्लस कॉट एक्स आएगा, प्लस कॉट एक्स सी आएगा। क्यों, देखिए जब हम ये प्लस का कर रहे हैं तो ये माइनस आ रहा है, अगर ये प्लस का हम करेंगे तो ये माइनस इसमें लग जाएगा, ठीक है, तो हम अगर इसको करेंगे तो ये प्लस वाला आएगा, तो देखिए माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स किए तो प्लस कॉट एक्स आएगा, ठीक है, इस तरह से समझना है, ठीक है। देखिए अगला समझिए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता था वन बाई एक्स, तो हमारा वन बाई एक्स का, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स प्लस, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं सी ऐड कर देते हैं, देखिए ये होगा। उसके बाद देखिए ये हो गया डी e टू द पावर x बाई डी एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e टू द पावर x ही होता है, तो देखिए e टू द पावर x dx जब करेंगे तो e टू द पावर x ही होगा प्लस c जोड़ देंगे। उसके बाद देखिए अगला बात हम आपको बताते हैं, देखिए उसके बाद डिफरेंशिएशन होता था हमारा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x dx का डिफरेंशिएशन होता है साइन इनवर्स एक्स डीएक्स का वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, ये होता है, तो इसका हमारा क्या होगा, देखिए तो इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा तो वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी जोड़ देंगे। देखिए d cos इनवर्स x by dx, इसका फॉर्मूला होता है d cos इनवर्स x by dx, यह होता है हमारा माइनस वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यह होता है। अब देखिए यहां पर जब इंटीग्रेशन करेंगे माइनस वन बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ये वैल्यू होगा। देखिए देखिए अगला फॉर्मूला हमारा होता है डी टैन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स, ये होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, देखिए जब हम वन बाई वन प्लस, जब वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। एक्स प्लस सी तो क्यों लिखते हैं हम बता चुके हैं, देखिए प्लस सी क्यों लिखते हैं वो बता चुके हैं, अगर हम डी cot इनवर्स x by dx लिख रहे हैं तो इसका होता है माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर,
तो इसका क्या होगा, देखिए अगर माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखते हैं तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। देखिए उसके बाद डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है वन, डिफरेंशिएशन है होता है वन बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो देखिए तो इसका क्या होगा, इसका होगा वन बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स का हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। उसी के तरह डी, उसी के तरह डी कोसेक, कोसेक इनवर्स एक्स। तो देखिए क्या होता है, टेन में माइनस लगा दीजिए तो कॉट का हो जाएगा, सेक में माइनस लगा दीजिए तो कोसेक का हो जाएगा, उसी तरह साइन का इनवर्स में माइनस लगा दीजिए तो कोसेक इनवर्स हो जाएगा। ये ट्रिक है। देखिए यहां पर माइनस वन बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, देखिए अभी हम बताए ना कि देखिए सेक में माइनस लगा दीजिए, सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में माइनस लगा दीजिए तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, टेन का डिफरेंशिएशन में माइनस लगा दीजिए तो कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन में माइनस लगा दीजिए तो कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन में माइनस लगा दीजिए तो कोसेक, साइन के डिफरेंशिएशन में साइन इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन में माइनस लगा दीजिएगा तो कोसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। साइन के डिफरेंशिएशन में, साइन इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन में अगर माइनस लगा दीजिएगा तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, टेन का, टेन इनवर्स का कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स में माइनस तो कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स में माइनस तो कोसेक इनवर्स। अब देखिए यहां पर माइनस लगा के जब करेंगे, माइनस एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी के साथ मेरा इम्पोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक का इसी के साथ मेरा इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको दे दिया हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मुझे सपोर्ट कीजिए, मतलब अपने आसपास के लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि मैं आपको और से ज़्यादा वीडियो दे सकूँ। इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।